डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ्स क्लास। सो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक पे थे। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12th। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे है, इसका मतलब क्लास 12th का वीडियो है ये। सो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक टॉपिक स्टडी किया था, दैट इज मैक्सिमा मिनिमा। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पोर्शन के साथ साथ व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो लर्न किया था। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो डेफिनेशन बेस्ड ज़्यादा था। सो टू कैलकुलेट द क्वेश्चंस और मीनिंग जो क्वेश्चंस हैं, हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड हमारे पास है, विच इज नोन एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये ज़्यादा मतलब कहेंगे कि फ्रूटफुल है और या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से। और अगर हम डेफिनेशन पार्ट में आएंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारे जो डेफिनेशन का पोर्शन है उसके आंसर देने के लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट वी मीन बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या? तो सिंपली क्योंकि इस डेरिवेटिव टेस्ट में जो भी हम लर्न करेंगे ना, यानी जो फॉर्मूला है इसका, अगर आपको उसको वो कहाँ से आया है उसको अगर देखना है, यानी थोड़ा सा डेरिवेशन पोर्शन में जाना है, तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी पे जो वीडियो है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है प्लस टू क्लासेस में, दैट इज प्लस टू क्लास के स्टूडेंट के लिए जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट की डेरिवेशन हमारे हमारे सिलेबस में नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। सो क्या कहता है ये टेस्ट कि अगर एफ कोई फंक्शन है और सपोज एक इंटरवल आई है और सी एक पॉइंट है जो उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, और f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है एट c पे, यानी उस पॉइंट पे हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो x इक्वल टू c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ f डैश c इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश c इज लेस देन 0। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होना चाहिए, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो 0 से लेस होना चाहिए। और जो द वैल्यू ऑफ f c इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, जब उस पॉइंट पे जो एफ सी कैलकुलेट करेंगे उसको हम उसका मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। सिमिलरली एक्स इक्वल टू सी को हम लोकल मिनिमा कहेंगे अगर डेरिवेटिव तो 0 है और साथ में सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और वैल्यू ऑफ एफ सी इज लोकल मिनिमम ऑफ एफ। और हम लोग ये कहते हैं कि ये टेस्ट फेल हो जाता है अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एक एल्गोरिथम का फॉर्म दे दें कि मीनिंग ठीक है, ये तो मेरा डेफिनेशन पोर्शन हो गया, जो मुझे डेफिनेशन बतानी थी वो डेफिनेशन आ गई, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप कैसे यूज़ करेंगे इसको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर एक फंक्शन आपको गिवन है, लेट गिवन फंक्शन, अगर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उसमें हमारा गिवन फंक्शन जो है वो एफ एक्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स। देन फॉर मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था मैक्सिमा एंड मिनिमा ना, उसमें हमने ये ऑलरेडी लर्न किया है कि मैक्सिमम मिनिमा जिन पॉइंटों पे मिलता है वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। यानी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यूज होंगी, सपोज एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सो व्हाट वी डू, वी फाइंड आउट दोज वैल्यू, उन वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन था जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, सो यू विल गेट द सेकेंड डेरिवेटिव, आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा। नाउ आफ्टर गेटिंग द सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ हम रिजल्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, हम उस सेकेंड डेरिवेटिव को कोई भी एक पॉइंट, सपोज एक्स इक्वल टू एक्स वन पे मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है या मिनिमम है फंक्शन, तो क्या करना है कि इस सेकेंड डेरिवेटिव का एक्स वन पे साइन चेक करना है। अगर ये साइन नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमा है, दैट मीन एक्स इक्वल टू एक्स वन, एक्स वन इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ एक्स वन इज मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली अगर सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो हम कहेंगे कि मिनिमा। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर
ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जीरो हो जाए। सी इसका यहाँ पर एक्चुअली टेस्ट फेल हो जाता है। बेटर का तरीका है कि अगर टेस्ट फेल हो जाए जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्लस टू क्लासेस में नहीं होगा, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे मूव कर जाना चाहिए। उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करेंगे हम। इस मेथड का एक्सटेंशन पोर्शन भी है। एक्सटेंशन पोर्शन क्या कहता है कि थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए। ओके, थर्ड डेरिवेटिव, अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आता है तो ये स्पेशल पॉइंट है, तब ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा वहाँ पे, है ना, हमें वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर थर्ड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, सो नाउ द कैलकुलेट द फोर्थ डेरिवेटिव, तो उस केस में क्या करना है, हमें फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना है इस फंक्शन का, राइट। और सेम उसी तरह से अगर वो नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा। यानी अगर इस मेथड को आप एक्सटेंशन के फॉर्म में आगे लेके जाना चाहेंगे तो आपको क्या करना है कि हमने थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, हमने थर्ड कैलकुलेट किया, यानी थर्ड फिफ्थ सेवेंथ ये जो ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट पे जीरो होना चाहिए, फर्स्ट पे जीरो के बाद हम सेकंड पे गए, अगर हमें सेकंड से क्वेश्चन को आगे डिफ्रेंशिएट करना है तो थर्ड पे जीरो होना चाहिए फॉर मैक्सिमम नंबर के लिए, अगर हमें और आगे जाना पड़ रहा है तो फोर्थ फिफ्थ पे जीरो होना चाहिए, सेवन्थ पे जीरो होना चाहिए, नाइन्थ पे जीरो होना चाहिए। और जो इवन नंबर्स हैं दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, उसमें अगर ये निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, लेकिन उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने ये जो ये इनिशियल पोर्शन लिखा है जिसमें हमने मीनिंग सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव तक आप जाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके आगे की प्लस टू क्लास के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, इवन जेई मेंस के अंदर उसके आगे की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, सो लेट अस सी, एक क्वेश्चन हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में गिवन है कि fx equal to x into x minus 1 का स्क्वायर, फाइंड द पॉइंट एट विच fx assumes मैक्सिमा एंड मिनिमा। हमें वो पॉइंट पॉइंट फाइंड आउट करना, तो ओके हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। द फंक्शन है हमारा x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन लिखने के बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डेस एक्स, सी फर्स्ट फंक्शन, ये रहा सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे तो आप सेकेंड को ऐसे लिख देंगे ना, ये नहीं करना हमें। x माइनस वन को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस x माइनस वन, और x माइनस वन के साथ साथ हमारे पास आ गया 3x माइनस वन। चेक कर लेना एक बार डेरिवेटिव को, क्योंकि यहाँ हम गलती कर बैठे तो आगे तो फिर गलत, आगे तो क्वेश्चन सही होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पॉइंट से हमारे गलत आ जाएंगे। तो क्या करना है कि एग्जैक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं, उसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, सो नाउ क्या करना है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, दैट मीन एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स माइनस वन को जीरो पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू एक वन हो जाएगा, एक वन बाई थ्री। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हमारा ये ना फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन था तो इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। यानी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से ना, ये हमारा फंक्शन डेरिवेटिव है, यानी एक ये गिवन फंक्शन था, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद आया है, अब इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन होगा, सेकेंड को हमने लिख दिया, प्लस इस बार x माइनस वन को लिखेंगे और सेकेंड मतलब 3x माइनस वन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आ रहा है ये, 3x माइनस वन प्लस का 3x माइनस थ्री, दैट इज 6x माइनस फोर, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। यानी आप कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करने जाएंगे ना सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से, एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रोसीड करना। सो नाउ क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पॉइंट हमने जो कैलकुलेट किया 4x इक्वल टू वन, अब x इक्वल टू वन पे मैंने चेक करना शुरू किया कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, तो x को 1 पुट करने गए, क्या आया, पॉजिटिव, दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, सो ये x इक्वल टू 1 क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और मिनिमम वैल्यू, नाउ
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस वन को यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एफ वन, और वो कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके, सो आइए एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री पे चेक करते हैं, सेकेंड एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री पुट करते हैं। अगेन हमने जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव था उसमें हमने वन बाई थ्री पुट कर दिया, यहाँ है सेकेंड डेरिवेटिव ध्यान देना है। सो जैसे x को 1 बाई थ्री पुट करेंगे आप तो कितना आएगा, 6 इंटू 1 बाई थ्री माइनस 4, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये x इक्वल टू 1 बाई थ्री जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एग्जाम में कह सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई, है ना। सो मैक्सिमम वैल्यू की जाएगी एफ वन बाई थ्री, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। सो एक्स के प्लेस पे क्या करना है, वन बाई थ्री पुट कर देना है, यानी वन बाई थ्री, वन बाई थ्री में से वन को माइनस करेंगे तो टू बाई थ्री आएगा, और टू बाई थ्री का स्क्वायर करेंगे तो फोर बाई नाइन आएगा, सो फोर बाई ट्वेंटी सेवन। चेक कर लेना एक बार, वन बाई थ्री माइनस वन दैट इज टू बाई, माइनस टू बाई थ्री स्क्वायर इज फोर बाई नाइन, सो फोर बाई ट्वेंटी सेवन इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो एक जो मैक्सिमम मिनिमा का एक नॉर्मल क्वेश्चन आपका इस तरीके से सॉल्व होगा, नहीं बिल्कुल सही है ये। क्या करना है, सिंपली स्टेप्स याद रखने हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, फंक्शन लिखना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सेकंड डिफरेंशिएट करना है, और एक एक करके जो पॉइंट आपने जो वैल्यू एक्स की निकाली थी उन वैल्यूज पे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो ये हमारा एक क्वेश्चन रहा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमारे लिए क्या बच जाता है। तब कई बार आता है कि क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू, तो अभी तो हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें कहीं कोई इंटरवल मेंशन नहीं था। सपोज क्या कर रहा है कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू किसी क्लोज इंटरवल में फाइंड आउट करनी है, यानी जो हमने एक टर्म पढ़ा था ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, या आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना है। यानी होगा क्या, सपोज इसको ऐसे में ले लेता हूँ, एक फंक्शन है fx, राइट, एक फंक्शन है हमारे पास fx, और हमें क्या कहा उसने कि इंटरवल ए और बी में इसकी इसका क्लोज इंटरवल हो गया ना, किसका ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करिए, समथिंग लाइक दिस ना। सो क्या करेंगे कि जब आप ये सॉल्व करते हैं और सपोज आपको एक्स वन ये इस तरह से दो तीन वैल्यूज मिल जाएंगे एक्स की, हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज पे तो हमने मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लिया, राइट। अब सपोज करते हैं कि यहां पर क्या आया, x1 पे ये मैक्सिमम हो गया, x2 पे ये मिनिमम हो गया, और x3 पे अगेन ये मैक्सिमम हो गया, राइट। और हम उन वैल्यूज को भी हमने निकाल लिया, fx1 कैलकुलेट कर लिया, fx2 कैलकुलेट कर लिया, fx3। लेकिन जब भी क्लोज इंटरवल में कोई क्वेश्चन होगा या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो साथ में क्या करना है, fa और fb भी कैलकुलेट कर लेना है। अब फंक्शन मैक्सिमम यहां पर था और यहां पर था, अब इन दोनों और इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, और वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली जब मिनिमम की बात आएगी तो ये मिनिमम है तो इसको ले लेंगे। अब सपोज करें इनमें से कोई आपका ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, इफ नो वन इज ग्लोबल मैक्सिमम तो क्या करेंगे, इस fx2 के साथ अगेन हम इन दोनों वैल्यूज को ले लेंगे और इन तीनों में फिर देखेंगे जो सबसे छोटा कोण है, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे कम वैल्यू होगी, उस वैल्यू को हम ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे, और उस पॉइंट को ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। ओके, तो ये क्लोज इंटरवल की बात होगी। अगर यहां पर थोड़ा सा डाउट रह गया तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सी दिस क्वेश्चन, कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय दिस ऑन द इंटरवल 1 5। एक इंटरवल भी गिवन है और इसका हमें ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैलकुलेट करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हमने इसको क्या किया, फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। क्या होगा डेरिवेटिव, 6x2। बस फर्स्ट टाइम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है। सो ओके, 3 2 6x2 माइनस का 15 2 30x और प्लस का 36। अभी क्या करते हैं कि हमें इसको थोड़ा शॉर्टकट जा रहे हैं, इसको जीरो पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, तो 6 को कॉमन करने से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर फैक्टराइज करने जाएंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो आएगा, यानी जो x की वैल्यूज होंगी वो 2 और 3 आ जाएंगे।
ओके यहां तक ठीक है। हमने क्या, ये तो हमारा प्रीवियस हमने ऐसे ही किया था ना क्वेश्चन को भाई। अब सेकंड डेरिवेटिव, ये भी हमने भी पिछले एक में किया हुआ है, तो यही ना फंक्शन है आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, यानी यहां है फंक्शन। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x माइनस 30 आ गया। ओके अब एक एक करके पॉइंट पुट करना शुरू करते हैं। टू पे, फर्स्ट टू पे चेक किया हमने, अब टू पे कितना आ रहा है, 12 × 2 − 30 नेगेटिव, नेगेटिव आया राइट ना, नेगेटिव आया यानी ये हो गया मैक्सिमम। हमने क्या किया, थ्री पे चेक किया, अब थ्री पे हो गया 12 × 3 − 30 सो पॉजिटिव, दैट इज मिनिमम। यानी ये एक्स इक्वल टू टू पे लोकल मैक्सिमा है और एक्स इक्वल टू थ्री पे लोकल मिनिमा। लेकिन क्या करेंगे, अब जो अपने मैक्सिमम इनकी वैल्यू भी तो कैलकुलेट करेंगे, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहां टू पुट कर देता है। ओके सो लेट अस पुट इट टू, टू 2³ 8 − 15 2² 4 + 36 × 2 + 1 थोड़ी कैलकुलेशन है 16 60 72 1 चेक करना है। ये हमने माइनस की जगह प्लस लिख दिया गलती से, 60 है ये। ओके सो हियर 60 को 72 में से माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 28 हो जाएगा और 29। 3 कितना होगा, कैलकुलेशन अब बड़ी होने वाली है ना, 2 3 का 3 का क्यूब 27, 15 15 3 का स्क्वायर 9, 36 × 3 + 1 सो क्या आ गया वैल्यू 54। 115 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 135 आने वाला है, 36 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और प्लस 1, 108 प्लस 54, 108 और 54 कितना हो गया, 108 और 54 जब हम ऐड करेंगे तो 54 में ऐड करने के 162 और 163, सो 163 माइनस 135 चेक कर लीजिए कितना आ रहा है ना एक बार। सो 13 में से 5 गया 8 और यहाँ 5 में से 28, ये देखे ना। सो नाउ लोकल मैक्सिमम था इसका 29 और लोकल मिनिमम है 28, ध्यान रखना है। अभी क्या करो, F1 और F5 भी कैलकुलेट करके देखो भाई। मैं एक F1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, जब 1 कैलकुलेट करेंगे तो 2 − 15 + 36 + 1 ओके कितना आया ये, 36 × 38 39 में से 15 को माइनस करने गया है, कितना वैल्यू आ रहा है 36 × 38 39 में जब 15 को माइनस करेंगे तो यू आर गेटिंग 24, ठीक है ना, ये वैल्यू हमें 24 मिल गई। F5 भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ F5, ओके F5 कैलकुलेशन लेंदी है, 5 का क्यूब 125, 15, 5 का स्क्वायर 25, 36 5 जा 180 प्लस 1, 180 ठीक लिखा ना, 36 का जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ओके ये तो 250 और प्लस का 180 और प्लस का 1, लेकिन माइनस में कितना आ रहा है, माइनस में मुझे 25 को 5 से 125 5 375, सो माइनस का है 375, चेक कर लीजिए कितना आने वाला है भाई, 250 में से 375 माइनस कर देते हैं तो माइनस का 125 रह जाएगा। जब माइनस 125 यहाँ पर से माइनस करोगे, 125 माइनस करेंगे तो 51, इज इट 56, चेक करना एक बार, चेक कर लीजिए कि 56 आ रहा है नहीं आ रहा है ना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यहाँ देख लेना है ना ये क्वेश्चन में, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे सो आंसर्स पे भाई थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे पूरे क्वेश्चन को खराब कर देते हैं। ओके सो मेरे पास तो इनकी कैलकुलेशन वैसे अभी है नहीं यहाँ पर, ओके लेकिन आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सो ना अब मुझे आंसर देने की मेरी बारी आई ना, क्योंकि मुझे अब बताना है कि भाई ये आपने कैलकुलेट क्यों करवाया इतना सारा, है ना, हमने इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों की है। सो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि टू पे ये लोकल मैक्सिमम था और वैल्यू था 29,
राइट ना, यहाँ पे 2 पे मैक्सिमम था और वैल्यू 29, लेकिन 29 से 56 तो बड़ा वैल्यू है, तो ये तो उससे भी बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 5 जो है ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल, इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा है, ओके, या ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एक ही बात है। अब एक और देखिए, नाउ 3 पे ये मिनिमम था और मिनिमम वैल्यू 28, लेकिन जब हमने इसको F1 पे कैलकुलेट किया है तो F1 पे 24 आया है, ये और छोटा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है ये क्या हो गया, ये ग्लोबल मिनिमम हो गया फंक्शन का, है ना, यहाँ पे, यानी इस फंक्शन में जो ग्लोबल ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा x इक्वल टू 5, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा x इक्वल टू 1, और साथ में मैक्सिमम वैल्यू 56 ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू 24, तो इस तरीके से क्या करेंगे, यानी ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमम और मिनिमम इन क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन है, तो बस एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा कि जो आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल पे भी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी होंगी और उन वैल्यूज को अपनी मैक्सिमम और मिनिमम से कंपेयर करके तब आप आंसर पे आएंगे। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो सी नाउ, ये हमारा बेसिक मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक था, जिसमें हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, हमने सेकंड डेरिवेटिव मेथड को डिस्कस किया, बट बिफोर वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करें इसके पहले एक ग्राफ को डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, यानी हम अभी सम अप करने जा रहे हैं इस टॉपिक को। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन में क्या किया हमने, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, x इक्वल टू इंटरवल हमारा है x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये एक इंटरवल गिवन है। अब इस इंटरवल में a पे से स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ से उसने स्टार्ट किया है इंक्रीज करना, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मिनिमम है। अब ये जिस पोर्शन में इंक्रीजिंग है उस पोर्शन में डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव आएगा, तब एक पॉइंट हमें मिल गया x इक्वल टू x1, इस पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो गया, राइट। उसके बाद फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू किया और हमें एक और पॉइंट मिला x2, जहां पे फंक्शन अगेन क्या हो गया, मिनिमम हो गया हमारे पास, राइट, हमें लोकल मिनिमम मिल गया x2 पे। देन फंक्शन ने फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया और एक और पॉइंट हमारे पास x3 है जहां पे ये मैक्सिमम हो गया, राइट। देन फिर उसने डिक्रीज करते हुए फिर मिनिमम अटेन किया, यानी x4 पे मिनिमम हो गया और x5 पे वो मैक्सिमम तो हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि फंक्शन ही कुछ इस तरह से जाके शार्प एज बना रहा है यहाँ पे, है ना, शार्प एज बना रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम तो है लेकिन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और उसका फिर ये फंक्शन नीचे की तरफ आया और हमें यहाँ पर हम b पे इस फंक्शन को छोड़ रहे हैं, तो एक्चुअली मिनिमम है, क्योंकि डिक्रीज करते हुए अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करेगा तो मिनिमम की तरफ जाएगा, राइट। अब इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम x1 पे है, x3 पे है और x5 पे है, बट उन सब में जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है वो 5 x3 पे है, सो x3 हमारा ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली मिनिमम हमें a पे था मिनिमम, देन x2 पे मिनिमम था, x4 पे मिनिमम था और b पे भी मिनिमम है, लेकिन आप देखिए b का जो मिनिमम है वो सबसे कम है ना, तो हमारा ये ग्लोबल मिनिमम हो गया। सो एक हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव डेरिवेटिव नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम और क्लोज इंटरवल को हम इस ग्राफ की हेल्प से इजीली समझ सकते हैं। और इस ग्राफ में हमें एक चीज़ और देखने को मिला है कि फंक्शन जब इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो जहाँ पे वो लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम मिलेगा जरूरी नहीं कि वहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जैसे फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू किया और वो अचानक से शार्प एज बना दे यहाँ पे, सो नाउ यू आर रीडिंग ए शार्प एज। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए टेंजेंट, एंड सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इट मीन वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन एट दिस पॉइंट, सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। दैट मीन जहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है वैसे भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, ओके। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट कि व्हाट वी मीन बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज अवर टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक था जिसमें हमने
कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अभी क्या करेंगे, इस टॉपिक का एक और जो मेजर पोर्शन होता है दैट इज अ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप प्लस टू सीबीएसई एग्जामिनेशन या स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, सो हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और ऑलरेडी कुछ वीडियोस जो सीबीएसई एग्जामिनेशन से कुछ वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जिसमें हमने बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी देखकर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।